नेपाल छिद्रिया में एक कांड हुआ था, आदिवासी विद्रोह हुआ था और उसको भी ऐसे ही बर्बरता पूर्वक दबा दिया गया था अंग्रेजी शासन द्वारा। और वहीं से मोतीलाल तेजावत जो कोलियारी जाडोल के रहने वाले थे, वो वहां से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बच निकले और घूमते घूमते कोटा की तरफ से होते हुए सीधे वहां पर कई लोगों से मुलाकात की और उन लोगों को समझाया कि आप लोगों के ऊपर जो टैक्स दिया जा रहा है वो ज्यादा है, उसको मत दो। लेकिन लोग डरते थे तो किसी ने सलाह दी कि भाई आप तो भूला वालोरिया चले जाओ, वहां के लोग बहुत ही बहादुर भी हैं और लड़ने वाली जो वहां के लोगों की जो मान्यता कि वहां के लोग हैं वो बहुत ही सुरवीर हैं, तो वो सरकार का सामना कर सकते हैं, आप वहां जाके उन लोगों को बताओ, वो आपका सहयोग जरूर करेंगे। फिर मोतीलाल जी तेजावत यहां पर आते हैं और यहां पर देखते हैं कि यहां पर भी जो विद्रोह की लहर है वो उठ रही है और उसी विद्रोह की लहर, उसी विद्रोह की ज्वाला में मोतीलाल जी तेजावत ने घी डालने का काम किया और उन्होंने कहा कि बात तो एकदम सही है, जमीन आपकी है, जंगल आपका है, जल आपका है, मेहनत आपकी है, तो आपको किसी सरकार को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से अपने आदिवासी जो पूर्वज थे उनको बताया। फिर क्या था, 5-6 मई निश्चित की गई और यहीं पर सामने अभी डूब क्षेत्र में आता है साजावाला भाटा के नीचे बैठक आयोजित की गई। निश्चित दिन तय किया गया लेकिन उस निश्चित दिन की खबर जो अंग्रेजी शासन था, जो रियासती शासन, जो संधि के मार्फत शासन करते थे, उनको इसकी खबर लग गई। और होता क्या है, वहां से वो पहले से तैयारी के रूप में जो उनके सामंत थे, उनकी सेना, अंग्रेजों की सेना और हमारे ही भाइयों को लड़ाया गया था मेवाड़ भीलकोर की सेना को भी सामने यहाँ पर तीनों स्विफ्ट सेनाओं ने हमला कर दिया। सबसे पहले हमारे भूला गांव, सॉरी वालोरिया गांव को जला दिया, वहां पर कानिया जी लखिया को गोली से उड़ा दिया गया, वो शहीद हो गए। और उसके बाद दूसरे दिन जो आज का दिन है 6 मई, इस दिन यहाँ पर उन्होंने आक्रमण कर दिया और कई लोग मारे गए और कईयों के घर जला दिए गए, कईयों के मवेशी जला दिए गए, कई लोग यहां से विस्थापित हो गए जो आज भी दूसरे गांवों में बचे हुए हैं और वहीं पर रह रहे हैं। तो ऐसी जो घटना है उस समय घटित हुई थी, उस घटना से हमें सबक लेना है कि उस समय हमारे पूर्वज एक हो सकते हैं तो हम आज क्यों नहीं हो सकते हैं। आज तो हम पढ़े लिखे हैं, हम किसी न किसी रूप में सिस्टम में भी हैं, हम नहीं है तो हमारे भाई हैं, हमारे दूसरे जिले के भाई हैं, हम उन लोगों से भी सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन हमें वैचारिक रूप से और सामाजिक रूप से एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे हम अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं, हमारा लक्ष्य है वो हासिल नहीं कर पा सकते हैं। तो मैंने संक्षिप्त में आपको थोड़ी सी इस लिवड़ी बंडली हत्याकांड के बारे में जानकारी बताई है, फिर भी उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में हमारे आदिवासी परिवार के जो वक्ता आए हुए हैं वो बहुत सारी जानकारी प्रदान करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि उन्हीं शहीदों को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक बार सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और उन सभी क्रांतिकारी वीर शहीदों को उन शहीदों को जोहार करके नमन करना है। सभी वीर जो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, हमारे पूर्वज जो लड़े थे, वीर क्रांतिकारी थे, उन सभी माता बहने वडील उस समय के, उन सभी को जोहार करके, अंतिम जोहार करके उनको आपको श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। तो यहाँ के पटेल साहब, संदा जी पटेल यहाँ मौजूद हो तो आगे आ जाए, यहाँ उनके पुत्र नाथू भाई, यहाँ पोवाराम जी, कोई भी हो एक बार मंच के सामने आ जाए कृपया, या उनके परिवार से कोई भी हो, भरत जी या कोई और, वो एक बार सामने आ जाए। हाँ, तो एक बार
दो मिनट का आंख बंद करके मौन धारण करेंगे और अपने उस पूर्वजों को याद करेंगे कि हमें भी उनके जैसा एक ही के जो बंधन में बनने वाला बनना है, तो आंखें बंद करके एक बार उनको याद करना है। एक बार सभी जोहार बोल के और नमन करके अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। जोहार जोहार जोहार, बहुत बढ़िया। अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठ जाएं और आगे की कड़ी में मैं बाहर से भी वक्ता पधारे हुए हैं, सिरोही जिले के अलावा अपने जोधपुर से भी कार्यकर्ता पधारने वाले थे। अगर पधारे हो तो कृपया एक बार संपर्क करें। जालौर से